नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम सभी ने कालिदास जी को पढ़ा है और उनके बचपन के बारे में हम ये भी जानते हैं कि एक बार वो जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। फिर उन्हें किसी ने समझाया कि जिस डाली पे बैठे हो उसी डाली को काट रहे हो तो गिर जाओगे। फिर कालिदास ऐसे संभले कि उन्होंने इतिहास रच दी। उनकी लिखी रचनाएं अजर अमर है। अब तक की सभी पीढ़ियां उनको पढ़ी है और आने वाली पीढ़ियां भी उनको पढ़ेगी। पर आज की तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस देश में रहते हैं उसी देश में क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की। मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से हमारे देश भारत में 90 जिले ऐसे थे जहां पे विकास की गति थम सी गई थी। वहां पे जो लोग रहते हैं उन्हें हमेशा डर लगता था, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार की पहल से ये 90 का जो आंकड़ा है वो 70 पे सिमट गया है। हमारे राज्य झारखंड में 16 जिले ऐसे हैं जहां पे मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी, पर यहां पे विकास निरंतर जारी है। इसका श्रेय हम देंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को। आज के कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे औराडी गांव। औराडी गांव आता है बड़लंगा थाना, जो रामगढ़ जिला में है। चलिए वहां चल के देखते हैं कि कैसे वो जिला नक्सल मुक्त हो रहा है। तो हमारे साथ रुक कीजिए, औराडी गांव बड़लंगा थाना रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला के औराडी गांव का नाम जेहन में आते ही लोगों के मन में उस दौर की तस्वीर भी आंखों के सामने नजर आने लगती है जब औराडी गांव में शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाया करते थे। लोग डर और भय के कारण अपने घरों में दुबके रहते थे। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी लोग पूरी तरह वंचित थे। ग्रामीण ब्लॉक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वे ब्लॉक पहुंच भी जाएं तो अधिकारियों से अपने हक अधिकार की बात करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता था। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर भी लोग परेशान रहते थे। जोहार दर्शकों, आप देख रहे कार्यक्रम नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। दर्शकों, हम आप सबों को इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार दिखाते आ रहे हैं कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा पुनः मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं रामगढ़ जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र औराडी में। औराडी काफी नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन यहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी विकास के कार्य भी किए गए हैं। तो आइए यहां के ग्रामीणों से हम बात करेंगे और जानेंगे यहां कौन कौन से विकास के कार्य। यहां पर अधिकतर किसानों का क्षेत्र है, खेतीबाड़ी अधिकतर होता है। यहां पर खेती के लिए बहुत सा हम लोग का सुविधा मिला है सरकार की ओर से। चेक डैम है, छोटा छोटा नाला सबको चेक डैम के रूप में, एगो थोड़ा बड़ा ही लघु सिंचाई विभाग का डैम बना है, उससे हम लोग का खेती बाड़ी होता है। साथ साथ विकास में जैसे रोड बना है, पहले जाने के लिए हम लोग को रास्ता नहीं था, अभी हर जगह रोड से जोड़ा हुआ है, चाहे बंगाल जाएँ चाहे हम लोग गोला जाएँ। और गाँव घर में भी PCC पथ बना हुआ है। साथ ही हम लोग का पहले तो यहाँ आदमी लोग भय करते थे, रात होने पर सब कोई अपना यह घर घुस जाता था, क्योंकि उन लोग भी आके तंग करते थे, खाना उना मांगते थे। उस तरह का माहौल अभी करीब करीब 2008 के बाद इधर नहीं है, सब ठीक ठाक है। और हम लोग का भी पुलिस प्रशासन से माने मैत्री रूप, भाईचारा के रूप में अभी काम चल रहा है। और जब भी कुछ होता है तो फोन फान करते हैं तो उन लोग आ जाते हैं, और उस तरह का माहौल नहीं है, माने हम लोग सब मिलजुल के ही रहते हैं। जैसे गांव में भी कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तो उसको गांव में समेट लेते हैं, उस तरह का आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा है, हमारे यहाँ हाई स्कूल है। ये पहले लड़की लोग को हाई मैट्रिक करने के लिए हम लोग को गोला चाहे डिमरा जाना पड़ता था, यहाँ से 7 किलोमीटर आपका डिमरा है, 7 से 8 होगा। अभी हम लोग का गांव में है, इसलिए लड़की लोग का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या स्कूल में उन्हीं लोग का अभी देखने को मिल रहा है। लड़का तो है ही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा पढ़ाई लिखाई हो रहा है। समय पर न्याय नहीं मिलने से डर और भय का माहौल बना रहता था। यही कारण था कि लोग अपने गांव घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसा भी हुआ कि लोग छोटी छोटी घटनाओं से तंग आकर गलत रास्ता अख्तियार करने लगे। देखते देखते अपने ही गांव घर के लोगों के बीच दहशत का पर्याय बन गए।
एक तरफ पुलिस प्रशासन की छापेमारी से लोग परेशान थे तो वहीं दूसरी ओर यह डर सताता रहता था कि कब नक्सलियों द्वारा घटना को अंजाम दे दिया जाए। मेरा नाम है रमेश मुर्मू, ग्राम अरवाटी का रहने वाला है और खेती बाड़ी में बिलोंग करते हैं हम। अच्छा, तो अगर आपके गांव की हम बात करें तो पहले जो माहौल था, जैसे कि आपका गांव नक्सली प्रभावित था। हाँ, पहले बहुत पहले हम लोग छोटे थे, हम लोग नहीं जान रहे थे। वो बोलता था कि पहले बुजुर्ग लोग बोलता था कि इन लोग दादा लोग है, तो उस समय था। अभी करीब करीब हम बताएंगे ना, मोटा मोटी 20 साल से पहले का बात है। तो उस समय तो काफी समस्या होगा, बहुत समस्या। हम लोग माँ बाप ना पहले लकड़ी बेचने जाते थे गोला, और हम लोग बच्चा लोग क्या करते थे कि मेरा माँ आएगी, मेरा बाप आएगा, तब हम लोग खाना खाते थे। अच्छा। उधर से लाता था तब खाना बनाते थे, तब खाते थे, और खाना खिला के फिर माँ बाप तुरंत जंगल जाते थे। जंगल जाके फिर लकड़ी काट करके फिर लाते थे, तब फिर सुबह जाते थे गोला जाके बेच के आते थे। उसके बाद फिर सुबह मैंने उधर से आएगा तब खाना पकता था। मेरा का माहौल था काफी। हाँ, पहले वैसा माहौल था हम लोग का। और अभी की बात करें तो, अभी के बात करें तो हम लोग मेहनत किए, खेती बाड़ी किए तो ऐसा खेती बाड़ी किए तो अभी हम लोग अपने दम पर जी रहे हैं और बढ़िया से खाना भी खा रहे हैं, सही टाइम में खा रहे हैं। सर, अब पहले से अभी तो बहुत सारा डेवलप हो चुके हैं, जो पहले परिस्थिति था वो तो बदल गए है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो आपके गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सरकारी योजना का लाभ देखा जाए तो अगर घर के व्यवस्था तो बहुत सारे को मिले हैं, बहुत सारे को नहीं भी मिले हैं। और सड़क की बात करें तो सड़क तो हुआ है, अभी पीजीसी मतलब लॉकडाउन से पहले पीजीसी हो चुका है और उसके बाद दो एक हुआ है, लेकिन पहले जितना रफ्तार था वो रफ्तार अभी नहीं है। हाँ, अच्छा, आपका गांव जैसे कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा जी, तो उस समय का जो माहौल था जी, तो अभी का माहौल में कितना बदलाव आप देखते हैं? सर, उसमें तो बहुत सारा बदलाव अभी हो चुका है कि नक्सली जो पहले था, लेकिन जब से मतलब थाना बना उसके बाद से अब कोई नक्सली का कोई बात नहीं है, और उसमें डर भी कुछ नहीं है। पेट्रोलिंग होता है? पेट्रोलिंग रात को होता है। और आप लोग को मतलब अब पुलिस प्रशासन से किस प्रकार का आप लोग का मतलब रिलेशन बन चुका है? पुलिस प्रभारी से हम लोग से बहुत अच्छा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या होता है तो तुरंत वो, कोई भी समस्या होता है तो समस्या का पुलिस अपने आप प्रशासन वो समाधान कर सकते। अब स्थिति बदल चुकी है, सरकार के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन बेहतर कार्य कर रही है। पुलिस प्रशासन अब उन तमाम गाँव में जहाँ के स्थानीय लोग मुख्य धारा से भटक गए थे वहां पहुंच रही है, और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत नई दिशा एक नई पहल के तहत जनसंपर्क अभियान चला रही है। पुलिस ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। ग्राम औराडी थाना से करीब 12 किलोमीटर दूर पे पहाड़ से सटा हुआ एक गांव है, तो वो गांव आज से करीब 10-12 वर्ष पहले विकास से एकदम मुख्य धारा से कटा हुआ गांव था, क्योंकि उधर नक्सलियों का गतिविधि काफ़ी तेज थी, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया गया नक्सलियों के विरुद्ध, और आम जनता से विश्वास जीतने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग का भी आयोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप पर परिणाम ये हुआ कि आज के समय में औराडी बिल्कुल नक्सल मुक्त है और वहाँ के आम जनता खुले आसमान में अपना घूमते फिरते हैं, कहीं बिना भय के अपना जो भी जीवन यापन के लिए जो भी काम करना करते हैं, और सरकार की जो भी विकास की योजना है वो गांव तक पहुंच रही है, और बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल की भी व्यवस्था है, और बच्चे आजकल अपने गांव में ही पढ़ रहे हैं, और कुछ जो भी है रोजगार के लिए तो बाहर जाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से जो भी योजना है वो गांव तक धरातल पर पहुँच रही है। सर, एक समय था जब लोग जो है गाँव ग्रामीण वो खाकी वर्दी देख के घर में छिप जाते थे या भागते थे, तो अभी का क्या स्थिति है? हाँ, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अभी पुलिस पर लोग को विश्वास बढ़ा है, और लोग कोई भी समस्या हो तो बेहिचक पुलिस से अपना साझा करते हैं, और पुलिस उस पर अच्छी जो भी उचित होती कार्रवाई करती है, तो लोग पुलिस पे भरोसा बढ़ा है और पुलिस पे कंप्लेन आती है कि हाँ हमको ये समस्या है, और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सर आप लोग के द्वारा कुछ वितरण भी किया गया?
हाँ, पूर्व में तो किया गया है, अभी वर्तमान में ऐसा कुछ है किया जा रहा है, और पहले भी बहुत सारी सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कार्य किया गया है। बच्चों को खेल सामग्री, पढ़ने लिखने के और भी जो जरूरत की सामान है ग्रामीणों के बीच वितरण किया गया है, और वो भी जारी है। ग्रामीणों की जरूरतों की पूर्ति के लिए समय समय पर शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। योजनाओं का उन्हें पूरा लाभ मिले इसके लिए पहल की जाती है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड बनाना, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़क निर्माण कराना और घर घर बिजली पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं, छोटा मोटा किसान हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी मतलब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? योजना हम लोग के गांव में तो ऐसे सरकारी योजना जितने प्रकार का आते हैं सब, कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। जैसे आपका मनरेगा योजना से कुआं, तालाब या फिर डोभा, सड़क योजना, ये सब में हर प्रकार का काम सब जगह हुआ है। अच्छा। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें तो लगभग लगभग 80-90% आदमी को मिल चुका है। अब बिजली की बात करें तो बिजली लगभग लगभग ठीक है, पहले से अच्छा है अभी बिजली। तो पहले की अपेक्षा अभी आप लोग खुश? हाँ, अभी खुद ठीक, सब ठीक चल रहा है। आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो आप कैसे यहाँ मतलब विकास देख रहे हैं कुछ? यहाँ बहुत विकास हुआ है, जैसे कि यहाँ पहले डर होता था हल्का, उसके बाद जब से यहाँ से थाना और गाँव का विकास हुआ, पुलिस प्रशासन हम लोग की मदद करती है, कभी भी कुछ भी दिक्कत होने पर कॉल करने से तुरंत आते हैं, वो समाधान करते हैं। अगर आपका बात करें तो एक छोटे से जगह से निकलकर आपने अपने खेल के क्षेत्र में भी आपने एक अच्छा नाम बनाया है, आप आने वाले समय में अपने युवा पीढ़ी को कैसे देखते हैं इस गांव? हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को और भी जागरूकता होना चाहिए इस गाँव से, जो जैसे मेरे पीछे पीछे और भी मेरे गाँव के सब आना चाहिए, जैसे हम एक मेडलिस्ट है तो मेरे से भी आगे जाके वो ओलंपिक एशियन गेम्स में मेडल देना चाहिए। स्पोर्ट्स को थोड़ा डीपली ध्यान देना चाहिए। आपके युवा साथी भी कई लोग ऐसा समय भी आया है कि कई युवा भटक गए हैं गांव से, जंगलों में जाकर रहने लगे, उनके साथ हो गए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए जो भटक गए हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि गांव में जो विकास हुए उसके लिए गांव में जो विकास हुए उसमें बहुत खुश हैं, और उन लोगों को बोलना चाहते हैं कि वो आए और गांव में सब खेती बाड़ी करें ताकि विकास के लिए और भी अच्छा हो। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, इस गांव में डेवलपमेंट में पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका? जब से पुलिस प्रशासन है तभी से गाँव बहुत खुश है और चाहते हैं कि आगे भी और ऐसी खुशी दिखे। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लोग संयुक्त रूप से ग्रामीणों से मिलते हैं और उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखते हैं, सबकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। पदाधिकारी भी गांव का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं। इन महती प्रयासों से गाँव की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। मेरा नाम कामेश्वर टुडू, मैं औराडी गांव का रहने वाला हूं। परवरगा पंचायत के अंतर्गत में ये गांव आता है। रोजगार की बात करें तो आपके गांव के लोगों को रोजगार मिल रही है? रोजगार की बात करें तो इस वक्त मनरेगा योजना चल रहा है गांव में, इससे काफी मजदूर रोजगार कार्यरत हैं, इससे फायदा लोगों को मिल रहा है पहले के अपेक्षा में। अच्छा। अगर आपके गांव की बात करें तो एक समय जब यह गांव काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जी, काफी युवा बच्चे हुए जी, एक वो समय और एक अब का समय, आप कितना बदलाव देखते हैं अपने गांव? अभी तो काफी बदलाव हुआ है, पहले तो लोग डर के मारे घर में रह नहीं पाते थे ठीक से, डरते थे, और चूंकि नक्सल प्रभावित एरिया था वो लोग रात को पहुंच जाते थे, खाना वाना मांगते थे, तो वो सब बंद हो गया है, वो सब अब नहीं हो रहा है, तो निर्भीक होकर के गांव में
लोग रहते हैं और काम धंधा करते हैं, अपना रोजी रोजगार करते हैं, तो इससे अच्छा लगता है। प्रशासन का क्या क्या मदद आप लोग तक पहुंचता है? प्रशासन का काफ़ी मदद है, कभी कभी ये कुछ कुछ वितरण भी करते हैं, जैसे एक बार वितरण हुआ था, डेग उग हुआ था, जर्सी हुआ था, साइकिल वगैरह हुआ था, प्रशासन ये सब वितरण करते हैं। और प्रशासन का ये जब से बरलंगा थाना बना तब से इस गांव के लिए बहुत ही अच्छा रहा, कहे कि अगर थाना वाला को बुलाया जाए तो ये फौरन पहुंच जाते हैं, तो इससे बहुत सहूलियत हुआ है गांव के लोगों को। प्रशासन का गांव वालों के साथ कैसा स्वभाव? स्वभाव अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मैंने भाईचारा स्वभाव है पुलिस वालों का। एक समय था जब गांव वालों को पुलिस प्रशासन, पुलिस की गाड़ी देखते हुए ही भय लगता। जी, एक वो समय और एक अब का समय, कितना बदलाव देखते हैं? वो समय और अब का समय बहुत काफी अंतर है। पहले तो गाड़ी देख के ही डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब गांव के लोग पुलिस से बातचीत करते हैं अच्छे से। तो दर्शकों, हमने देखा कि यहाँ की दिशा और दशा कैसे बदल चुकी है। जहाँ पे विकास की गति थम सी गई थी, वहाँ पे विकास निरंतर जारी है और आडी गांव के लोग अब आर्थिक सामाजिक विकास कर रहे हैं। दर्शकों, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास करना बहुत ही बड़ा काम है, ये चुटकी बजाने का खेल नहीं है। इसे करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को बनाना पड़ता है और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार योजना तो बना ही रही है, पर उसे जन जन तक पहुंचाने का काम पुलिस प्रशासन कर रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन को हम स्तंभ कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं पुलिस प्रशासन से और जानते हैं कि औराडी गांव में कैसे काम हो रहा है। देखिए, अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो औराडी जो क्षेत्र था वो बरलंगा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता था, उसकी गिनती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होती थी और वहाँ पे अक्सर नक्सल मूवमेंट होती थी। नक्सल जो बोकारो का जो एक्सेस है, बोकारो क्योंकि ये बॉर्डर पड़ता है, बोकारो के एक्सेस से इधर वो आते थे और आगे की तरफ निकलते थे, तो एक पासिंग का क्षेत्र भी था वो। तो उसमें लगातार झारखंड पुलिस की तरफ से, रामगढ़ पुलिस की तरफ से ऑपरेशंस करके वहाँ पर शांति कायम की गई है। इस समय वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, वो गांव को पूर्णतया नक्सल से मुक्त करा लिया गया है। आसपास में भी कोई नक्सल की घटनाएं नहीं हो रही हैं, किसी भी तरह की पासिंग या किसी भी तरह का नक्सल दस्ते का मूवमेंट भी अब उस एरिया से नहीं हो रहा है। सर, अगर बात करें उस गाँव के लोगों की, तो वहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है सर? देखिए, धीरे धीरे जो सरकार की योजना है वो धरातल पर आ रही है। जो मेरी जानकारी है, औराडी क्षेत्र में एक विद्यालय का निर्माण हो रहा है, वो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर एजुकेशन की सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी और उसका डेफिनेटली जो भी बेनिफिट्स हैं वहाँ के लोकल बच्चों को और वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो एक तरह से ये शिक्षा विभाग की एक अच्छी पहल है कि दूर सुदूर के क्षेत्रों में जाके विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, वहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें सर, तो उसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, स्वास्थ्य का भी यही है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनका यही रहता है कि वो दूर सुदूर के क्षेत्रों में जाएं और कुछ गांवों के एक क्लस्टर को केटर करें। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसके आसपास के गांव में वहां पर बना हुआ है, जहां पर हेल्थ की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फर्स्ट एड की और जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध है। और सर, बात करें अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? पुलिस प्रशासन के द्वारा जो फर्स्ट कार्यक्रम है वो हम लोग का कम्युनिटी फ्रेंडली पुलिसिंग होती है। उसमें बेसिकली हम लोगों का एम ये रहता है कि आसपास की जो जनता होती है तथा दूर सुदूर के जो क्षेत्र के गांव होते हैं, उन लोगों में पुलिस को लेकर जो भय व्याप्त रहता है उसको दूर करना और एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना, एक भरोसे का संवाद कायम करना, ये हम लोग का एम रहता है। तो उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे इन गांव में, जैसे कि औराडी गांव की बात करें तो वहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट या खस्सी भात टूर्नामेंट या इस तरह का सामूहिक भोज का आयोजन पुलिस के द्वारा अक्सर कराया जाता है। जनता दरबार लगाया जाता है, वहां पर लोगों की पुलिसिंग के अलावा भी जो समस्याएं होती हैं उनको भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है, लोगों को अधिकारियों से बात करने का मौका दिया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है और जितना हो सके वहीं पर, उनको उसके लिए थाना जाने की जरूरत नहीं है, उनके गांव में ही, उनके पंचायत में ही उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। सर, ये सब कार्य करने में आप लोगों को कितना चुनौती का सामना करना पड़ता है?
देखिए चुनौती तो है, पर दिस इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी ओनली। और क्योंकि झारखंड को अगर देखा जाए तो ये नक्सल प्रभावित राज्य हमेशा से रहा है, अभी भी झारखंड के कुछ क्षेत्रों कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशंस के माध्यम से, झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से और कम्युनिटी फ्रेंडली पुलिसिंग के माध्यम से उन क्षेत्रों को वापस मुख्यधारा में लाया जाए और उनको नक्सल से फ्री किया जाए। तो ये जो एक चुनौती है, इसमें तीन चार चुनौतियां हैं। एक तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको नक्सली दस्तों से लड़ना पड़ता है, इंट जनरेट करनी पड़ती है, सूचना संकलन करना होता है और लगातार उनको टारगेट करना होता है, उनकी गिरफ्तारी या अगर जरूरत पड़े तो कई बार मुठभेड़ भी होती है। और जो दूसरा लेवल पर हम लोग टारगेट करते हैं कि कई लोग जो नक्सली धारा में चले गए हैं उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, तो उसका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, जो हर लेवल पर किया जाता है, आम भाषा में भी किया जाता है, जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी उस तरह के पैम्फलेट और पोस्टर छपवाए जाते हैं, साथ ही हिंदी में भी उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, ताकि एकदम अंत के व्यक्ति को भी जो नक्सल धारा में चला गया है, नक्सल दस्ता से जुड़ गया है, उसको पता चले कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति में क्या क्या चीजें हैं। साथ ही साथ हम लोग जिला प्रशासन को और प्रशासनिक जो योजनाएं होती हैं उनको भी धरातल तक ले जाने में एक सिक्योरिटी का माहौल क्रिएट करते हैं, ताकि स्कूल अगर वहां कोई बन रहा है, अगर रोड कोई बन रही है या कोई पेयजल की कोई स्कीम है तो वो उस गांव तक पहुंचे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उन रास्तों को, उस एरिया को सिक्योर किया जाए, उस एरिया को नक्सली तथा किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी से फ्री कराया जाए, तो इसमें पुलिस का काफी रोल रहता है। तो काफी चैलेंजिंग चीज है, लेकिन लगातार एफर्ट से, प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन से, झारखंड सरकार तथा पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चले औराडी गांव, बरलंगा थाना, रामगढ़ जिला। हमने देखा कि कैसे ये जिला नक्सल मुक्त हो रहा है, वहां पे लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास हो रहा है। यही हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में जितने भी जिले हैं और खासकर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड राज्य के 16 जिले जो नक्सलवादियों की वजह से कह सकते हैं कि विकास की गति थम सी गई थी, उसकी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। अगले अंक में हम फिर बात करेंगे किसी नए जिले की, नए गांव की, लेकिन चलते चलते हम आपको याद दिलाएंगे कि कोरोना महामारी बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, ये कभी भी अपना पांव पसार सकता है, इसलिए याद रखें 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।